Hello everyone, this is Anu Jora. Welcome to MTC Vlogs. Everybody, welcome to the MTC Vlogs original web talk. जहाँ पे हम बात करने वाले आज कुछ interesting topic के regarding. आज हम बात करने वाले mainly तीन topic के regarding जो कि है video creation, podcasting and blogging. So आज है मेरे साथ अनुज वोरा है and he has a huge experience of blogging. So please अपने बारे में कुछ बता दे. So I am a blogger and my website is itsfacil.com. I write articles on technology, technological business, sites to serve, passion into paycheck, and also I write about education and education system. And guys, he has also his YouTube channel, and for that we talk further in the video. और guys, सबसे पहले हम बात करते हैं इस video के शुरुआत में blogging के बारे में. Blogging जो है पहले से अगर हम बात करें कि इंटरनेट पे कुछ करना है तो सबसे पहली चीज ब्लॉगिंग आ जाए, क्योंकि इट इज द ओल्डेस्ट थिंग. जब से इंटरनेट की शुरुआत हुई तब से लोग ब्लॉगिंग करते आ रहे हैं, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ द माइक्रो ब्लॉगिंग या फिर आजकल जो बड़े बड़े आर्टिकल्स छप रहे हैं. तो ब्लॉगिंग क्या है आप व्यूअर को बता दो पहले. सबसे पहले तो हम हिस्ट्री की बात करें तो वर्डप्रेस और ब्लॉगर ने पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर दिया, और इन दो प्लेटफॉर्म की मदद से हम बहुत सारे लोगों को अपना कंटेंट, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स दूसरे लोगों को इजीली शेयर कर सकते हैं. ब्लॉगर और वर्डप्रेस की मदद से हम बहुत ही अच्छा ब्लॉगिंग में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन दो प्लेटफॉर्म हमको यानी कोई भी क्रिएटर को अच्छे टूल्स प्रोवाइड करते हैं. और आई थिंक कि जो रिटर्न जो चीज होती है, जो लोग लिख के हम जो प्रॉब्लम है, फिर कोई भी जो रीडिंग का एक पूरा इन पास्ट हम बुक रीड करते थे और आज भी हम वही चीज कर रहे हैं, पर वो डिजिटल फॉर्म में है, ऑनलाइन हम रीड कर रहे हैं. आई थिंक द ब्लॉगिंग इज सिमिलर काइंड ऑफ रीडिंग द बुक्स बट ऑनलाइन. सो अब मेरे को ये बताओ आप कि ब्लॉगिंग की जो अभी की हालत है वो क्या है, और इन फ्यूचर ब्लॉगिंग किस लेवल तक जा सकता है, और जो मेन चीज रहती है मोनेटाइजेशन की, या फिर इन हम नॉर्मल वर्ड में कहें पैसा कमाने की ब्लॉगिंग से, तो उसके क्या चांसेस है ब्लॉगिंग से. अगर आप कोई ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई आर्टिकल रीड करेंगे तो आपको शायद मिलेगा कि ब्लॉगिंग के कोई भी साइट के व्यूज बहुत कम हो रहे हैं. पर ऐसा एक्चुअल में नहीं है. व्यूज तो वैसे ही आ रहे हैं, पर अगर अगर पैसा कमाने की बात करें तो गूगल एडसेंस में से पैसे मिलना कम हो गए. ओके. क्योंकि इतने क्रिएटर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्रिएटर्स बढ़ गए हैं पर एडवर्टाइजर्स उतने ही है. इसीलिए अगर एज अ हम पैसा कमाने का सोर्स हम देखें इसीलिए आजकल ब्लॉगिंग कोई प्रीफर नहीं करता. तो फिर भी बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग है या फिर पेड प्रमोशन, कोई भी प्रोडक्ट का कर दो, सो हम अर्निंग कर सकते हैं ब्लॉगिंग की मदद से. सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट द ब्लॉगिंग. अब हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पॉडकास्ट. आप लोगों में से कई लोगों ने चीज नहीं सुनी होगी, बट जो लोग इस इंडस्ट्री में है उन लोगों के लिए पॉडकास्ट काफी एक फेमस चीज है. इन पास्ट पॉडकास्ट को आपने सुना होगा FM रेडियो के फॉर्म में या फिर रेडियो के फॉर्म में, बट नाउअडेज पॉडकास्ट काफी एक फेमस चीज होती जा रही है. सो पॉडकास्ट के बारे में क्या कहना है आपका. पॉडकास्ट तो बेसिकली है क्या, मैंने तो बता दिया, पर आप इस फील्ड में है तो आप बता दीजिए पॉडकास्ट क्या है. सो पॉडकास्ट वो है जो हम वीडियो और कोई भी आर्टिकल्स को हम जब ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. लाइक आजकल वो भी बहुत ट्रेंड निकला है कि कोई ऑथर अपनी बुक लॉन्च करता है और उसके साथ ही अपनी पॉडकास्ट लॉन्च कर, उसके साथ भी अपनी ऑडियो बुक भी लॉन्च करता है. सो ही क्रिएट हिज बुक विद हिज ओन वॉइस. Okay. So that he can interact with his readers or followers. Okay. So I think podcast जो है कहीं ना कहीं blogging और video के बीच में आता है, and I think that it has a great future in in the further, because मेरे को ये लगता है कि एक जो पॉडकास्ट है, मतलब अभी हम इंडियन यूट्यूबर्स की बात करें तो AAB जो है चैनल है वो खुद का पॉडकास्ट डालते हैं, हालांकि यूट्यूब पे डालते हैं, बट यूट्यूब पे उसको ट्रैफिक मिलता है उसकी वजह से. नहीं, प्रॉब्लम क्या है, अभी इंडिया में बहुत पॉडकास्ट बहुत फेमस इमर्जिंग है, बहुत बहुत छोटे लेवल पे है. क्यों ये AIB वीडियोस के फॉर्म में पॉडकास्ट रखते हैं, क्योंकि
पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक ओके एप्पल एप्पल पॉडकास्ट एप्पल है, पॉडकास्ट है। एंकर है, वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, साउंड क्लाउड है, जहाँ पे हम अपना अपना खुद का शो क्रिएट कर सकते हैं। और पॉडकास्ट में बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि वो हमको वीडियो और ब्लॉगिंग से बहुत इजी इजी रहता है, क्योंकि हमको सिर्फ अपने अपने थॉट्स और हम अपने आइडियाज को सिर्फ हमको अपने बोलना ही वॉइस के है, थ्रू जो हमने शेयर बोलना करना ही है। है। लाइक इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स देन यू शुड ट्राई और यूजुअली सबके पॉडकास्टिंग। पास हो जाए। ब्लॉगिंग में थोड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि यू हैव गुड इन पर्टिकुलर सेक्शन लाइक राइटिंग और यू नो लिटरेचर आर्ट जो रहता है उसके चीज में। और अगर आप वीडियो क्रिएटर्स हो तो अगर आपको एडिटिंग वेडिटिंग अच्छी आनी चाहिए और वो सारी चीजें रहती है। सो पॉडकास्ट के लिए बेसिक चीज आप क्या बोलेंगे कि लाइक एक कोई भी साउंड रिकॉर्डर हो तो इट्स नहीं, डन। कोई भी आप अपने सिर्फ मोबाइल में से ही ईयरफोन में से यूज कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। पर आपको पॉडकास्ट के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म एंकर रहेगा, आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। और उसमें यह है कि अगर आप एंकर में कोई अगर एंकर में आप अपना पॉडकास्ट शो क्रिएट करके आप अपलोड करेंगे तो वो दूसरे 5 से 6 प्लेटफॉर्म पर शेयर कर देंगे। अच्छा वो तो दैट्स अ प्लेटफॉर्म, बेनिफिट दैट्स द थिंग। बेनिफिट ऑफ एंकर एंड एंड दैट्स द बेनिफिट ऑफ पॉडकास्टिंग ऑल्सो। अगर कोई ब्लॉगिंग और कोई वीडियो कंटेंट है तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि एक जगह अपलोड करके हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इसीलिए पॉडकास्टिंग बहुत ही इमर्जिंग है और आगे भी बढ़ेगा। अगर अगर तुमको मालूम है केसी नेस्टेड अपना हाँ उसने पॉडकास्ट अपना शो खुद का करता है पॉडकास्ट शो शुरू किया उसने कपल्स अपने थेरेपी, कपल्स थेरेपी तो करके। और मैं बात करूँ कि पॉडकास्ट अगर आपको बुक रीड करनी है तो आपको एक शांत एनवायरनमेंट चाहिए, वीडियो देखना है तो एक कैमरा या फिर एक डिवाइस स्क्रीन चाहिए जिसपे आप देख सकते हैं। बट आई थिंक पॉडकास्ट इज द इजी थिंग कि आप अगर आपके पास कोई भी ऐसा डिवाइस जहाँ पे आपको ऑडियो आउटपुट मिलता है, ईयरफोन डाल के सुन लो, जहाँ से भी आपको सुनने को मिलता है। सो आई थिंक दैट इज अ एडवांटेज ऑफ पॉडकास्ट। पॉडकास्ट इज टाइम सेविंग बिकॉज अगर अगर हमको कोई आर्टिकल रीड करना है और वीडियो देखना है तो हमको हमको फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ता है कि क्या चल रहा है वीडियो में, और हमको अगर रीडिंग रीड करना आए तब पड़ता भी है। हमको तो डेफिनेटली पर अटेंशन चाहिए, पॉडकास्ट में हम कहाँ भी कहीं घूम रहे हैं तो भी सिर्फ हम कान में सिर्फ ईयरफोन डाल दिया एंड वी आर डन लाइक विद आवर जॉब। म्यूजिक, लाइक व्हाट वी आर डूइंग विद म्यूजिक। सो दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ पॉडकास्ट। पॉडकास्ट अगर हम बात करें कि पॉडकास्ट में मोनेटाइजेशन की, तो हम उसमें फ्यूचर में भी आ सकता है स्पॉन्सर स्पॉन्सरशिप एड्स, आएगी। स्पॉन्सरशिप्स तो आज भी आ रही है, बहुत बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को स्पॉन्सरशिप मिल रही है एडवर्टाइज की। पर अगर हम मोनेटाइजेशन की बात करें तो हम आगे गूगल एड्स या ऐसा ऐसा कोई भी आई होप कि गूगल गूगल जो है इस चीज में भी इंटीग्रेट करे और इंटीग्रेट पॉडकास्ट के लिए कुछ अलग से प्लेटफॉर्म लाए जहां पे मोनेटाइजेशन हो, तो एक क्रिएटर्स को एक अलग टाइप का पुश मिलेगा कि सारी की सारी जो है इस डायरेक्शन में यस पॉडकास्ट के डेफिनेटली रिलेटेड। क्योंकि ये आई थिंक जैसे कि मैं पहले भी कहा कि ब्लॉगिंग और वीडियो क्रिएशन के बीच में आता है एंड आई यस थिंक दैट इट इज अ आइडियल वे टू कम्युनिकेट विद द पीपल और टॉक अबाउट समथिंग रिलेटेड टू स्टफ विच दे नो एंड विच दे वॉन्ट टू शेयर टू द पब्लिक। या डेफिनेटली सो दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट। अब हम बात करते हैं वीडियो क्रिएटर्स के बारे में। गाइस वीडियो क्रिएटर्स की बात करूँ तो आपके सामने इस फ्रेम में जो दो इंसान बैठे हैं दोनों के दोनों वीडियो क्रिएटर्स हैं। अनुज के भी खुद की यूट्यूब चैनल है, जैसे कि आप लोग मेरे को तो जानते हैं, मेरे तो दो दो यूट्यूब चैनल थी, फिलहाल एक ही है, डोंट टॉक अबाउट दैट फॉर नाउ। बट वीडियो क्रिएटर्स जो है काफी बढ़िया इंपैक्ट करता है ये पूरी इंडस्ट्री में। अगर आप बात करें पी लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के बारे में, अगर आप बात करें कोई भी टाइप का इंफॉर्मेशन शेयर करने के बारे में, या फिर अगर आप बात करें मोनेटाइजेशन के एरिया में, सो जो वीडियो क्रिएशन जो है काफी एक बढ़िया जो है रोल प्ले करता है इस एरिया में। और वीडियो क्रिएटर्स के लिए आई थिंक कि दो ऑप्शन है, पहला तो सबसे पॉपुलर जो है यूट्यूब है और दूसरा न्यूली जो फेसबुक फॉर क्रिएटर लॉन्च हुआ है। बट मोर ओवर नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम सारे के सारे ऑप्शंस है, बट बिगिनिंग लेवल पे आई डोंट थिंक सो दैट दे कैन एबल टू इन्वेस्ट द करोड़ अमाउंट इन दैट। सो आई थिंक यस बिगिनिंग लेवल पे जो यूट्यूब और फेसबुक है वही बेटर रहता है। सो इसके बारे में क्या ख्याल है? बेसिकली यूट्यूब का एल्गोरिदम अब ऐसा हो गया है कि यूट्यूब पे एडसेंस से क्रिएटर्स को इंडिया में बहुत कम पैसे मिल कम रहे पैसे हैं। मिलते हैं। और अगर हम बात करें कि यूएस की यूएस में ये चीज डेली इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वहां पे एडवर्टाइजर्स आर पेइंग मोर मनी इन डिजिटल एड्स।
यस बट आई इंडिया थिंक इन इंडिया जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएटर्स के साथ है, आई मीन पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट दिस इज प्लेटफॉर्म, कोई भी वीडियो उठा के डाल देते हैं, सो समहाउ एडवर्टाइजर जो है वो उसको भी लगता है कि हमारी एड जो है कहीं गलत जगह गलत जगह पे, जगह उसका पे प्रॉपर इम्पैक्ट ना है उसकी वजह से ये चीज़। हालांकि जो यूट्यूब इंडिया उसके ऊपर वर्क कर रहा है, बट नया प्लेटफॉर्म निकल गया फेसबुक फॉर क्रिएटर, वो काफी आजकल जो है हाइप बना के रखे। सो फेसबुक फॉर क्रिएटर्स में क्या करना है, आई मीन आई थॉट तू भी अपना वीडियो फेसबुक पे शेयर करता है जहां तक मुझे पता है। मैं अपनी चैनल में क्या करता हूँ कि मैं जो वीडियो यूट्यूब पर जो शेयर करता हूँ वही का वही वीडियो मैं फेसबुक पे शेयर कर देता फेसबुक हूँ। पे भी शेयर करता हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा डिफरेंस मिल रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यूट्यूब में व्यूज कम मिल रहे हैं ओके और फेसबुक पर ज्यादा मिल रहे ये हैं। फेसबुक का कुछ इस तरीके का एल्गोरिथम है, लाइक हम 2 मिनट्स क्राफ्ट या फिर ऐसा जो भी पॉपुलर वीडियोस देखते हैं, सो वहां पे काफी बढ़िया जो है ट्रैफिक जो है गेन होता है। और अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग की, सो जैसे कि ब्लॉगिंग था, पॉडकास्टिंग था, वैसे भी यूट्यूब है। यूट्यूब पे बेसिकली वीडियो है, और आई थिंक दैट वीडियो हैज मोर पावर रादर देन जस्ट स्पीकिंग समथिंग और लिसनिंग समथिंग और रीडिंग समथिंग, क्योंकि एक राइट जो विजुअल इफेक्ट पड़ता है जो लिसनर है या फिर जो देख रहा है बंदा उसके ऊपर, वो काफी बढ़िया रहता है। सो उसके बारे में क्या ख्याल है, अगर हम राइट सीधी कंपेयर करें वीडियो क्रिएशन की ब्लॉगिंग के साथ या फिर वीडियो क्रिएशन की पॉडकास्टिंग के साथ, सो क्या कंपैरिजन उसके निकल के आती जैसा कि है? मैंने अभी पहले बताया कि फेसबुक अभी वीडियो पर पहले पहले से ज्यादा फोकस कर रहा है। वो उसके अल्गोरिदम से पता चलता है, क्योंकि हम साफ साफ देख सकते हैं कि कोई कोई आर्टिकल पोस्ट, व्हेन यू पोस्ट एनी आर्टिकल इट गेट्स लेस रीच, एंड When you देन इफ post a यू video, पोस्ट then अ वीडियो देन इट विल स्लाइटली अप, वेरी yes. हाईली अप। और जो सो recommended video की जो पूरी Facebook की strategy है वो भी बढ़िया है, वो rather भी than बहुत if you बढ़िया are है। publishing blog, क्योंकि आप कोई भी video एक publish करते हो तो उसके related जो भी video है उसके suggestion में आपका video आएगा। But I think for a creator थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है video को create करना, because as I am a creator, as you are a little bit creator, हम लोगों को पता है कि behind the scene जो पूरी procedure क्या होती है एक video को पूरा का पूरा publish करने के लिए। So I think वहां पे जो वीडियो क्रिएटर है वो थोड़ी सी नेगेटिव साइड लेता है एज कम्पेयर टू द पॉडकास्टिंग एंड द ब्लॉगिंग स्टफ, बिकॉज अगर आप राइटर हो तो यू जस्ट नीड अ यू नो लैपटॉप एंड यू कैन राइट द थिंग। इफ यू आर डूइंग प्रॉपर कम्युनिकेशन देन यू जस्ट नीड अ मोबाइल फोन फ्रॉम विच यू कैन रिकॉर्ड द ऑडियो एंड जस्ट पब्लिश इट, बट फॉर अ वीडियो यू नीड अ प्रॉपर लाइक काइंड ऑफ कैमरा एंड एडिटिंग थिंग विच, जहां पे आपको एक परफेक्शन की जरूरत है। सो उस पर क्या कहना है? अभी हमने बहुत सारे यूट्यूबर्स को ऐसा कहते हैं देखा है कि कपड़ों आपको वीडियो के क्वालिटी की कोई टेंशन रिक्वायरमेंट नहीं रिक्वायरमेंट है नहीं है, इफ कि योर कंटेंट इज गुड। कोई कैमरा परचेज करने की जरूरत नहीं है, कोई माइक लेने की जरूरत नहीं है। पर ये अभी जो ये मार्केट है ना, ये कंटेंट क्रिएशन का, वो इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है कि इफ यू आर नॉट हम गुड और इफ यू आर नॉट गिविंग यस 100% इन दैट, सो आप उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। यस आपको आपको कोई दूसरे लोगों के साथ जज किया जाएगा और आपको ऐसा बोलेंगे कि अगर ये बंदा ये चीज कर रहा है तो तू क्यों नहीं कर रहा हाँ, लाइक है, आपकी वैसा। कंपनी जो इसकी वीडियो क्वालिटी देखो, यस आपकी क्वालिटी देखो, आपकी इसकी सिनेमाटोग्राफी देखो, आपकी देखो। इफ यू आर स्पेशली, मेरे को ये चीज पता है अनबॉक्सिंग के साथ मेरे साथ जो होता है कि भाई ये तो इस तरीके से शॉट ले रहा है, तेरे तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो आई थिंक देर इज अ टफ कॉम्पिटिशन इन अ वीडियो क्रिएशन फिल्म, बट जहां तक व्यूअर्स की बात है, व्यूअर्स ज्यादा है वीडियो देखना पसंद करते या हैं। सो आई थिंक दैट वीडियो इज कवरिंग द ह्यूज मार्केट इन होल दिस इंडस्ट्री। डेफिनेटली आफ्टर जियो द वीडियो बहुत सारे कंटेंट है क्रिएटर्स है वो निकल के आए हैं, लाइक उसका ग्राफ एकदम बहुत स्ट्रेट ग्रोथ गया हुआ, है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है वीडियो और कंटेंट उसकी का। वजह से काफी बढ़िया क्रिएटर्स भी देखने को मिले। बट उसकी वजह से यूट्यूब इंडिया है जो थोड़ा सा उसपे गंदगी बढ़ गई है, मैं तो बोलना चाहूंगा इस चीज गंदगी को। बढ़ गई है, पर यूट्यूब की इनकम 3-4 गुनी बढ़ गई है। उसके सामने क्रिएटर्स को नहीं मिलता, वो लोग इतने सारे रूल्स ला दिए कि भाई 4,000 घंटे लाओ और 1,000 सब्सक्राइबर, बट इनिशियल स्टेज पे कोई भी क्रिएटर्स है तो यस उसके लिए यस बहुत डेफिनेटली मुश्किल होगा। और वन थिंग कि यूट्यूब ऐसे क्रिएटर्स को एंकरेज भी नहीं कर रहा है, लाइक अगर आप कोई भी फोन का अनबॉक्सिंग सर्च करोगे यूट्यूब में, सो एक मैं क्रिएटर हूँ जो उस फोन का अनबॉक्सिंग बना रहा हूँ और एक टेक्निकल गुरुजी ने बना दिया, तो उसका वीडियो पहले दिखाएंगे, डेफिनेटली उसके एल्गोरिथम करेगा डी। बट आई थिंक कि टेक्निकल गुरुजी का वीडियो तो हर कोई देखने वाला है, तो आई थिंक कि यूट्यूब को ऐसा करना चाहिए कि जो क्रिएटर्स है
जो छोटे क्रिएटर है उसकी चीज को प्रमोट करो। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि यूट्यूब को सिर्फ ऐड से मतलब है, जहाँ पर ऐड यूट्यूब दिखा सकता है, जहाँ पर लोग आ रहा है वहाँ पर ही यूट्यूब ज्यादा ऐड दिखाता है, बट अभी अभी मैंने इसीलिए। वो पॉडकास्ट देखा था एबी का, यूट्यूब का कुछ बिजनेस एसबीओ करके बोलते हैं ना, सेंट्रल बिजनेस ऑफिसर करके आया था। सो उन्होंने बोला कि हम यूट्यूब इंडिया को लेके काफी सीरियस है, बिकॉज आफ्टर ऑल इंडिया इज यू बिग नो मार्केट, बिग मार्केट फॉर यूट्यूब, बट आई डोंट थिंक सो दैट दे आर एज मच कमिटेड एज व्हाट दे से, कि क्रिएटर्स को अगर क्रिएटर्स खुश रहेंगे तो वो बढ़िया कंटेंट बना पाएंगे और तो व्यूअर को जो है बेटर चीज देखने को मिलेगी। यस यस डेफिनेटली ट्रू। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस ऑल थिंग। आई होप दैट यू गेट ऑल आइडिया अबाउट द ब्लॉगिंग, पॉडकास्टिंग एंड वीडियो क्रिएशन। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड ब्लॉगिंग, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। इस बंदे का मैं यूट्यूब चैनल और इसकी जो है वेबसाइट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड लेट मी नो योर रिव्यूज रिगार्डिंग दिस वीडियो इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू गिव दिस वीडियो बिग फॉर थम्स अप। टिल द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बी हैप्पी, ऑलवेज स्माइल, टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।